बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद एमपी। तो मैं आज बना रही हूँ समोसा पट्टी। सोचा कि सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए ताकि रमज़ान में सबके लिए आसानी से आप बना सकें समोसा पट्टी और रोल पट्टी। तो चले पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक कप मैदा ले लिया है, ये मैंने छान के लिया है। आपने भी हाथ ध्यान रखना है कि हम इसे मैदे को जब भी यूज़ करें तो छान के ही लें। और साथ में मैंने हाफ टी स्पून नमक ले लिया है और ये मैंने हसबे ज़रूरत ही पानी यूज़ करूँगी। मैंने नीम गर्म पानी लिया है, हमने नॉर्मल पानी नहीं लेना, नीम गर्म पानी हमने लेना है ताकि हमारी डो अच्छी से तैयार हो जाए। ये मैंने एक कप मैदा लिया था, इसे ऐड कर लूँगी और ये नमक, इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंद लूंगी। नमक हमने अच्छे टेस्ट के लिए ऐड किया है ताकि इसमें और भी अच्छा टेस्ट आए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने आटा अच्छे से गूंदना है। और अब मैं आप घी ले लें, ऑयल ले लें, जो सी भी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है पास वो ले लें और इसे अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि अच्छी से हमारी डो तैयार हो जाए। आटा बॉल ले लिया है और ये मैंने साथ में, मेरे पास घी अवेलेबल था तो मैंने घी ले लिया है, तो मैं इसे घी के साथ सारा ग्रीस कर लूँगी। और ये जो डो हमने तैयार की है ये मैं इसके अंदर रख दूँगी और इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा। और 20 मिनट इसे मैं तकरीबन रख दूंगी ताकि अच्छे से इसकी तैयार हो जाए। तो ये मैंने इसको रैप कर लिया है और अब मैं 20 मिनट इसे ऐसे ही रख दूंगी ताकि इसकी डो अच्छी से तैयार हो जाए। तो चलें मैं आपको 20 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 20 मिनट गुजर चुके हैं और ये आप डो भी देख सकते हैं। अच्छे से तैयार हो गई है, राइज हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह से करना बहुत ज़रूरी होता है, आप अगर इस तरह करेंगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसी तरह मैं अब सारी रोटियां बना लूँगी और ये जैसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी रोटी तैयार हुई है। तो मैं सारी इसी तरह इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। जी मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छे से तैयार हो गई हैं। और अब मैं घी ले लूँगी, मेरे पास घी अवेलेबल है, आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल अवेलेबल है तो आप ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घी था तो मैंने घी ही इस्तेमाल किया है। साथ में मैं इसके ऊपर डस्ट कर लूँगी और सारी रोटियों को इसके ऊपर रखते जाएँगे और इसी तरीके से हम करेंगे ताकि अच्छे से हमारी रोटियाँ तैयार हों।
मीडियम फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और रोटियां मैंने ऊपर डाल दी हैं, और हमने इसे ज़्यादा रेड में नहीं लाना या कलर हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसे कलर टच देना है, हल्का सा इसका कलर चेंज करेंगे। और मैंने इन्हें एक साइड से कर लिया है और दूसरी साइड से मैं ये कर रही हूँ, तो हल्का सा कलर चेंज होता है तो हम फिर इन्हें उतार लेंगे। पास करके दिखाती हूँ कलर, तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है, और अब मैं इन्हें उतार ली। तो जी आप देख सकते हैं समोसा पट्टी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, और ये मैंने जो बच गए थे उन्हें भी मैंने कर लिया है, और ये जो हमने अपनी समोसा पट्टी तैयार की है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ी गर्म है तो ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी सी तैयार हो गई है। जी आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है, सारी मैंने खोल ली है, और अब मैं इनके समोसे बना लूँगी, और आप ये देख सकते हैं कितनी स्लिम अच्छी सी हमारी रोटी तैयार हुई है। तो चलिए मैं आपको समोसे बनाने के बाद दिखाती हूँ, और ये मैंने थोड़ी सी स्टफिंग बना ली थी आलू और अंडे की, तो इसके साथ हम सारे समोसे तैयार कर लूँगी मैं। तो जी आप देख सकते हैं समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मैंने इन्हें बना लिया है सबको, और पट्टी हमारी बिल्कुल इक्वल अच्छी सी तैयार हुई थी, जिसकी वजह से हमारे समोसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार हुए हैं। तो चलिए मैं अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं समोसे हमारे कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं, इनकी कलरिंग और इनकी शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के और टेस्टी बने हैं, और रोटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी और करारी करारी नरम नरम करारी करारी सी तैयार हुई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये आपको कैसा लगा, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।